हेलो स्टूडेंट्स, एच सी वर्मा बुक का गॉस लॉ का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप विद ई नॉट इज इक्वल टू 2×10³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वेयर पैरेलल टू द वाई जेड एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। ये इसका हो गया बच्चों ओरिजिन। ओके, नाउ हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो गिवन है यहाँ से पूरी की पूरी। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया यहाँ पर वेक्टर कंसीडर किया जाएगा और कह रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर एरिया वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो वाई जेड प्लेन में मैं एरिया कंसीडर कर लेता हूँ कि वाई जेड प्लेन में ये मेरे पास एरिया हो जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड इधर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2 आई कैप मीटर स्क्वेयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। ई नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पर, इसको भी हम बाद में पुट कर लेंगे। पूछा हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इसका, तो आई वाले का आई वाले के साथ होगा, इसका तो आई के साथ जीरो हो जाएगा। तो देखो ई डॉट ए के बाद कितना हो जाएगा, 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर सकते हैं 3/5 इंटू ई नॉट की वैल्यू है 2×10³ एंड 0.2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ से एक 10 इधर चला जाएगा तो 2, 2, 2 जार 4, 4, 2 जार 12, तो ऊपर आएगा बच्चों 1200/5। ठीक है, दो जीरो यहाँ से लग जाएंगे, 5 से इसको करोगे तो 5, 1 जा 5, 2 जा 10 एंड 5, 4 जा 20 जीरो। ठीक है, यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वेयर, ये मेरे पास इसकी यूनिट आ जाएंगी, फ्लक्स निकल कर आ जाएगा टोटल ये 240। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ एल। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ द एज एल विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। ओके, ये हमारे पास कह रहा है बच्चों कि एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ हमें दे रखी है L और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो, और टोटल चार्ज भी हमें दे रखा है इसका, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों इसका, Q। टोटल चार्ज हमें Q दे रखा है। ठीक है, अभी कह रहा है कि एक हाइपोथेटिकल क्यूब हमने कंसिडर करना है जिसकी एज L है और इसके एक एंड को सेंटर पे मानना है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि कुछ इस टाइप से मेरी क्यूब हो जाएगी, यहाँ से ऐसे कंसीडर कर लिया मैंने कि ये मेरी एक क्यूब हो गई। तो उसके सेंटर पे इसका एंड है, तो अब देखो इसके अंदर कितनी है, इसका आधा पोर्शन है तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, Q/2 हो जाएगा। तो अब हमारा जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो क्या होता है, Q/ε0 के अंदर होता है। तो अब अंदर इसके चार्ज कितना है, क्या होता है चार्ज एनक्लोज द सरफेस ही तो होता है, कितना है Q/2 है, तो क्या लिख देंगे Q/2ε0, इतना हमारे पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा क्योंकि चार्ज कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी Q/2 आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। ओके,
हमने लेट किया कि मेरे पास बच्चों के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी वी क्या है, हर एक पॉइंट का इस सरफेस पर सेम है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, वी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और हमें पता है कि जो डी डब्ल्यू वर्क डन होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होता है, या चेंज इन पोटेंशियल कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है, डी वी के इक्वल। अब देखो जब डी वी ही जीरो है तो डी डब्ल्यू भी क्या होगा, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और जब वर्क डन जीरो होगा तो चार्ज भी क्या जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, यानी सारा ही क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जब देखो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, या ये मैं बोलूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन, डी वी, यानी डी वी क्या है बच्चों, हमारे पास जीरो है। एज हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर वी जीरो है तो यहाँ से करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। और आई किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई जीरो तो क्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। करंट है नहीं तो करंट बिना चार्ज के एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नंबर फोर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई वैक्टर इज इक्वल टू ई नोट एक्स बाई एल आई कैप, फाइंड द चार्ज कंटेन इन साइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सर्फेसिज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ए, एंड जेड इज इक्वल टू जीरो एंड ए। टेक ई नोट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ओके, दे क्या रखा है, एक क्यूबिकल वॉल्यूम है एक्स वाई जेड के अलोंग। तो इस टाइप से ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया। तो एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, एक क्यूबिकल वॉल्यूम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारे पास एक क्यूबिकल वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। इसके कंपोनेंट दे रखे हैं, ये जीरो मतलब यहाँ से जीरो है और यहाँ पर हमारे पास ये ए हो जाएगा एक्स के अलोंग। ऐसे ही जो वाई है वो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ए हो जाएगा। जेड यहाँ पर जीरो, ठीक है, और यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ से दे रखी हैं, यानी इसकी जो ईच साइड है वो हमें ए दे रखी है। हम ये कह सकते हैं कि ईच साइड हमें इसकी ए दे रखी है। नाउ अब हमें यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर देखो दो सरफेस देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे इधर दे रखी है बच्चों, और दे कितना रखा है, ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखी है, तो इन दो सरफेसेस में ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बाकी तो परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो वो ई डी एस यानी ई डॉट डी एस होगा, और ई डॉट डी एस को ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, ऐसे इसका आउटवर्ड होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, तो सबका क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बचेगी या फ्लक्स हमारा बचेगा वो इस वाले सरफेस की वजह से और इस वाले सरफेस की वजह से बचेगा। तो पहले इस वाले सरफेस की वजह से देख लेते हैं। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं 5 1 नेम दे रहा हूँ बच्चों। तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ई डॉट डी एस डॉट को ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस 180 डिग्री का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर है और नॉर्मल वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री बन जाएगा। 180 पे क्या होता है बच्चों, ये माइनस का होता है, तो माइनस का मैं ई की वैल्यू भी साथ साथ पुट कर लेता हूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ई नॉट एक्स बाई एल, ठीक है, और डी एस क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एरिया जो होगा इस वाले सरफेस का वो ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखो, इस वाले पर तो x की वैल्यू जीरो है ना,
एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं निकालूं, सेकंड सरफेस, ठीक है, सेकंड सरफेस, इसको मैं सेकंड सरफेस कह रहा हूं, इसको हमने फर्स्ट सरफेस मान लिया था। तो सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं phi 1 निकालूं तो देखो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में 0 एंगल बनेगा। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री में यहां से लिख सकता हूं, ई की वैल्यू में पुट कर सकता हूं, ई नॉट एक्स बाई एल, और एरिया हो जाएगा बच्चों इसका एल स्क्वायर। तो देखो यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहां पर मैं एक्स की जगह पर ए पुट कर सकता हूं, तो हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल ए क्यूब। ओके, अब जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है वो हम पुट कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, देखो ऊपर से कितना है, 5 × 10⁻³, तो 5 × 10⁻³ ई नॉट की वैल्यू। ए की वैल्यू है 1 cm, तो ए की वैल्यू 1 cm को मीटर बनाएंगे, तो 10⁻²⁻² का क्यूब है, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम देख सकते हैं एल की वैल्यू 2 cm, तो यहाँ पर एल की वैल्यू 2 cm 2 × 10⁻²⁻² मीटर में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे इसका एक पार्ट चला जाएगा और यहाँ से 4 बचेगा, तो 5 × 10⁻²⁻ ऊपर बचा और 2 नीचे बचा, तो यहाँ से 2.5 × 10⁻²⁻ मेरे पास फ्लक्स निकल कर आ गया, या मैं बोलूँ 0.25, है ना, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी फ्लक्स की, यहाँ से न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है कि चार्ज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें पता है, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज पूछा है तो क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई कितना है, केवल ये है, क्योंकि फाई 1 तो 0 हो गया था, इसको फाई 2 बोलेंगे, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ठीक है, फाई 2 माइनस फाई 1 नेट निकालेंगे तो वो भी इतना ही हो जाएगा, 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻²⁻¹². तो यहाँ से मैं इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, तो वो अप्रोक्स आ जाएगी 2.2125 × 10⁻²⁻¹² न्यूटन, इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। तो देखो बच्चों, हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक क्यूब है, और ये कहता है कि इसके सेंटर पर एक प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इस वाले सरफेस से भी, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा ऑल सरफेसेस से, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज द क्लोज सरफेस कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा सिंपल।